प्रेरणादायक कहानी। लीली का बदला। बहुत समय पहले की बात है, चाइना के किसी गांव में लीली नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वो, उसका पति और उसकी सास थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, पर महीना बीतते लीली और उसकी सास में खटपट होने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और भी बिगड़ गए। और एक दिन जब नौबत मारपीट तक पहुँचन गयी तो लीली गुस्से में अपने मायके चली गयी। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी, और इसी विचार के साथ वो गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूं। मेरा किया कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उसका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए बस, लीली ने क्रोध में अपनी बात कही। वैद्य बोले, बेटी, चूंकि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, लीली बोली। वैद्य अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और लीली को थमाते हुए बोले, लीली, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती हैं और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इन्हें उस खाने में मिला देना, और ध्यान रहे इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना होगा, उनकी बात माननी होगी, ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर ना जाए। जाओ अब अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। ली खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेकर ससुराल वापस लौट गई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपने सास की बात मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उसे गुस्सा आता तो वैद्य जी की बात ध्यान में रखकर कर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करते नहीं थकती थी, वही अब घर घर घूम कर लीली की तारीफ करते नहीं थकती थी। लीली भी अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आने लगी थी। लीली को अब अपनी सास की मौत का भय सताने लगा और एक दिन वो किसी बहाने से मायके के लिए निकली और सीधे वैद्य जी के पास पहुंची। वैद्य जी, कृपया मेरी मदद करिए, मैं अब अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो तो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत प्यार करने लगी है। मैं भी उन्हें उतना ही मानने लगी हूँ। कुछ भी करके उस शहर का असर खत्म कर दीजिए, लीली रोते हुए बोली। वैद्य बोले, बेटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस स्वास्थ्य वर्धक जड़ी बूटियां थी। शहर तो तुम्हारे दिमाग और नजरिए में था, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की और उन्हें जो प्रेम दिया, उससे वो भी खत्म हो गया। जाओ अब खुशहाली से अपने सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो।